हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम आपको एक न्यूज लेके आए हुए हैं, ठीक है। जिस क्या है, डीयू के शिक्षण ने दावा किया है कि ऑनलाइन क्लासों से छेड़छाड़ हो रही है और कुछ उन्हें अश्लील मैसेज भेजे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये फैसला क्या है, इसलिए लिया गया था ताकि बच्चों का पढ़ाई का कोई नुकसान ना हो, ठीक है। डीयू की तरफ से लिया गया था, लेकिन जब इसमें कुछ इस तरह की दिक्कतें आती हैं तो ऑनलाइन क्लास सफल नहीं हो पाती, ठीक है। तो आज हम उनको किस किस तरह की दिक्कतें उन्होंने बताई थी, ठीक है, डीयू के शिक्षकों ने, हम उसको आपको शेयर करने वाले हैं, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, पहली बात है उन्होंने क्या चीज़ शेयर हमसे की है। उन्होंने कहा, फ़ोटो भेजकर परेशान कर रहे डीयू के कॉलेजों के कई शिक्षकों ने बताया कि वे कुछ लोगों द्वारा छेड़छाड़ का शिकार हुए हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा, फ़ोटो भेजकर उन्होंने क्या अश्लील फ़ोटो या मैसेज भेजकर उन्हें डीयू के कॉलेज के शिक्षकों को परेशान करने की बात कही है। और शिक्षकों ने बताया कि उन्होंने इस बारे में विश्वविद्यालय को, प्रशासन को इसके बारे में सूचना दे दी है। अब एक तरफ हम साउथ कैंपस के टीचर की बात करते हैं। साउथ कैंपस के एक टीचर ने कहा है कि अपना नाम उजागर करने की, उन्होंने कहा कि मुझे नाम हाईलाइट नहीं होना चाहिए, उजागर किया है। और साउथ कैंपस के एक कॉलेज के एक शिक्षक ने बताया, पिछले सप्ताह वह जूम पर ऑनलाइन क्लास दे रहे थे। जूम एक ऐप है जहां पे हम ऑनलाइन क्लास दे सकते हैं। तभी एक शख्स हमसे जुड़ा और चैट पर असली संदेश भेजने लगा, और उन्होंने कहा कि वो चैट से असली संदेश हमें भेजने लगा। जो कुछ वो कर रहा था उसको छुटकारा पाने के लिए, हमें जो भी छुटकारा पाने के लिए बहुत सारा कुछ मिनट भी गंवाने पड़े, हमें कुछ समय भी गंवाना पड़ा, बड़ी दिक्कतें हुई, ठीक है। ये हमारे लिए क्या थी, एक शर्मनाक बात थी, ठीक है। हमारे लिए क्या थी, एक शर्मनाक बात थी, ठीक है। तो अचानक हमने लाइव क्लास को क्या कर दिया, क्लास हमें क्या करनी पड़ी, अचानक से बंद करनी पड़ी। और उसके बाद हमने ये किया, इसके बाद रिकॉर्डिंग वीडियो के साथ लेक्चर को छात्रों तक पहुंचाया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, दिक्कतें थी, ठीक है। और इसके बाद हम एक चीज़ और बताने वाले हैं, उन्होंने एक बात और कही। ऑनलाइन क्लास के जुड़ने वाले शख्स को पहचानने की कोशिश की गई तो पता चला कि उसका नाम का कोई छात्र उनकी क्लास में नहीं है, ठीक है। जब उन्होंने देखा कि जब रिकॉर्ड उठाया तो उन्होंने टीचर को पता चला, उन्होंने बताया कि उनका कोई ऐसा छात्र नहीं है जो ऑनलाइन क्लास दे रहे थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, पश्चिम दिल्ली का एक वुमेन कॉलेज है, ठीक है। उसकी फैकल्टी ने भी इस तरह की हरकतों की शिकायत की है। उन्होंने बताया कि भारी व्यक्ति उनके क्लास में शामिल हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि ऑनलाइन क्लास में शामिल हो जाते हैं। छात्रों का व्हाट्सएप ग्रुप है, उन्होंने क्या है, हमने कहा व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, जो हम लिंक भेजते हैं उसके ज़रिए वो जुड़ जाता है और हमें समाधान करने की हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। डीयू के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य राजेश झा ने बताया कि कई महिला शिक्षाओं के इस बारे में उन्हें जानकारी दी है, ठीक है। डीयू के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य हैं राजेश झा हैं, उन्होंने कहा कि शिक्षकों ने इसके बारे में कई जानकारी दी है और लाइव क्लास के दौरान उन्हें छेड़छाड़ हो रही है। लाइव क्लास के लिए शिक्षा छात्रों को व्हाट्सएप पर जूम या गूगल मीट का लिंक भेज दें, जिनके जरिए ईमेल लोग इनसे छात्र उनसे जुड़ते हैं, जिससे पता चलता है कि छात्र किसी बाहरी व्यक्ति की यह शेयर करते हैं, जिससे वह लाइव क्लास में जुड़ जाता है। कई देशों में लाइव क्लासों के दौरान ऐसी ही दिक्कतों की शिकायतें सामने आ रही हैं, ठीक है। ओके भाई, ये सारी चीज़ें थी। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को